हेलो एवरीवन, आपने सूजी का हलवा तो बहुत बार बनाकर खाते ही होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का हलवा। ये भी बहुत टेस्टी बनता है खाने में। हमने एक कप गेहूं का आटा ले लिया है, इसे हल्का सा भूनेंगे। आप इस तरीके से एक बार बनाकर देखें, ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है और एकदम सूजी के हलवा की तरह ही बिखरा हुआ बनता है। और हमने इसी कप से एक कटोरी घी ले लिया है, देसी घी है ये, और इसे भी हम इसमें गरम करने के बाद में थोड़े से ड्राई फ्रूट भूनेंगे, जो भी आपको पसंद हो। इसमें मैंने काजू और बादाम, थोड़ी सी किशमिश ली है। आप चाहें तो इसके अलावा और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और इन्हें भी हमने हल्का सा कलर आने के लिए तक भूनना है। बिल्कुल एकदम खिला हुआ हलवा बनता है, बिखरा हुआ नहीं, चिपकता नहीं है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जब भी आपका मन हो तो आप इस तरीके से आटे का हलवा भी बना के तैयार कर सकते हैं घर पर। और जो हमने पहले थोड़ी देर के लिए आटा भूंज के अलग निकाल लिया था, उसके बाद हमें इसे दोबारा भूंजना है आटा। इस तरीके से आप टिप्स बाय टिप्स फॉलो करेंगे तो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा आटे का हलवा। अब हम डाल देंगे इसमें आटा जो हमने थोड़ा सा भूना था, निकाल लिया था, इसे भी अच्छी तरह हमें भूंजना है थोड़ा सा कलर आने तक। और ये हमारे पास घी वही है जो हमने डाला था पहले, हमने और नहीं लिया है अलग से। अगर कम लगे तो थोड़ा एक चम्मच या दो चम्मच और भी घी डाल सकते हैं। और इसे हमें थोड़ा सा कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। गैस को आप मीडियम ही रखें, गैस को हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और साथ ही हमने एक पैन लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और इसमें हमने उसी जो हमने आटा नापा था उसी से हमने इसमें 2.5 कप लगभग पानी डाला है। और इसमें हम 1.5 कप चीनी डालेंगे। आप इसमें चाहें तो ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 भी डाल सकते हैं, कि 2 हिस्से की चीनी पड़ती है लगभग, तो हमने थोड़ा कम डाला है, हमें मीठा कम पसंद है खाना। और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हमने इलायची पाउडर डाल दिया है और 1 डालेंगे लौंग। और ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे पानी को अच्छी तरह उबालेंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें चीनी को घोलना है। 1-2 उबाल आने देंगे और फिर हम इसे गैस को कर देंगे बंद। बस हमें अच्छी तरह उबालना है पानी के लिए, 2-3 मिनट के लिए इसे पानी को अच्छी तरह उबलने देना है, एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा। बस उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद। और साथ ही हमने जो आटा भून रहे थे उसे भी हम भूनते रहना है, उसे भी छोड़ना नहीं है, बराबर चलाते रहना है, इससे कि वो लगे नहीं, नहीं तो इससे थोड़ा भी लगने के बाद उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। और ये देखिए इतना ही हमें भूजना था। और ये पानी हमें इस तरीके से धीरे धीरे डालना है और ये हाथ से मिलाते जाना है, हमें इस समय कड़छी को रोकना नहीं है, नहीं तो इसमें लम्स हो जाएंगे और जो खाने में टेस्टी नहीं लगते हैं। और सारा पानी इसमें हमें डाल देना है और ये 5 मिनट में हलवा बन के तैयार हो जाएगा। और जब तक हमें चलाना है, जब तक कढ़ाई को छोड़ने ना लगे साइडों से घी। और ये देखिए बिल्कुल आपको सूजी जैसा हलवा दिख रहा होगा। और थोड़ा सा 1 चम्मच हमने घी और डाल दिया है इसमें। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एक बार फ्रेंड आप ज़रूर बना कर देखें, थोड़ा फ्लेवर भी टेस्ट और अलग चेंज हो जाएगा। सूजी का हलवा तो हम बना कर खाते ही रहते हैं, एक बार आटे का भी ट्राई करें। हमने जो ड्राई फ्रूट भून के रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने बड़े बड़े साइज़ में हैं इसे छोड़ दिए हैं, और आप चाहें तो इनके टुकड़े कर सकते हैं, मुझे थोड़ा इस तरीके से ही अच्छे लगते हैं। और एक बार मिक्स कर देंगे और निकालते हैं प्लेट में। और जो हमारे ड्राई फ्रूट कुछ बचा के रख लिए थे वो गार्निश के लिए डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, आटे का हलवा बन के तैयार है। देखने से आप कह नहीं सकते ये आटे का है, सूजी का लग रहा है देखने में, और बिल्कुल चिपकता नहीं है खाने में। ये बहुत टेस्टी बनता है, एक बार जरूर ट्राई करें।